गुड इवनिंग दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाता हूँ। फोटोज देखते हुए आपको बस एक काम करना है, आपको बस ये अपने दिमाग में सोचना है कि ये जो सारे फोटोज हैं ये कौन से कैमरे या किससे खींचे गए हैं, आपको बस यही सोचना है। तो चलिए फोटो देख लेते हैं। अभी तक सोच में है कि कौन सा DSLR से ये सारे अच्छे अच्छे शॉट्स ले गए हैं, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये DSLR से खींचा ही नहीं गया है। ये फोटोज DSLR या आप सोचेंगे DSLR नहीं है तो पॉइंट एंड शूट तो होगा, वो तो बनता है भैया, पॉइंट एंड शूट भी नहीं है। आपके मोबाइल से आप भी ऐसा फोटो खींच सकते हैं, क्यों बिलीव नहीं हो रहा है ना। मेरा एक दोस्त है नीलाद्री चक्रवर्ती बोल के, मैं जब फर्स्ट फेसबुक में उसके ये सारे फोटोज देखे, सच में मुझको बिलीव नहीं हुआ कि ये नॉर्मल बड़े कैमरे से लिया गया है। हमारे फोन के जो कैमरे होते हैं 12 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल, इससे लिए गए, मुझे सीरियसली बिलीव नहीं हुआ। मैं उसको पूछा भाई कैसे कैसे मोबाइल से तो पॉसिबल नहीं है। उसने बोला कि भाई मैंने बस एक लेंस मंगाया है और उससे खींचा, उसको फिक्स किया अपने फोन पे, उससे खींचा। मैं बोला कि भाई तू लेंस मंगाया है उसका तो कम से कम मतलब लेंस मंगाया इतना बढ़िया लेंस के तू इतना जूम करके फोटो ले रहा है तो उसका तो अच्छा खासा प्राइस होगा, क्योंकि जो सस्ते वाले मतलब 1-2 हज़ार वाले जो लेंस आते हैं तो उसमें तो कुछ भी जो मोबाइल लेंस आते हैं अलग से एक्सटर्नल मिलते हैं तो उसमें तो मतलब सब लोग का रिव्यू मैं पढ़ता हूँ, घटिया लेंस या फिश आई में पूरा मतलब एकदम घटिया आ रहा है, मैक्रो में ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ मैं पढ़ता हूँ उसमें। तो ये लेंस तो शायद बहुत ही खास होगा क्योंकि इतना अच्छा मतलब जो फोटो क्वालिटी है इतना अच्छा है। उसने बोला कि मेरा जो लेंस है ना भाई वो 1500 के अंदर है। मैं सुन के शॉक रह गया। उसने फोटोस लिए एकदम छोटे छोटे जो माइक्रो साइज के रहते हैं इंसेक्ट्स, उनका एकदम क्लोजअप शॉट लिया, एकदम क्लोज में, जो कि DSLR से भी आपको उतना अच्छा नहीं आता है। आपको अलग से उसका अच्छा खासा कीमत चुका के लेंस खरीदना पड़ता है, उसके बाद शायद इतना अच्छा मतलब DSLR का अगर आप पकड़ लीजिए 40,000 पकड़ लीजिए, चलिए 30,000 पकड़ लेता हूँ, मैं सस्ते में कर देता हूँ, लेंस का और कुछ होगा 10,000, चलिए 10 ही पकड़ लेता हूँ सस्ते के लिए, तो कम से कम 40,000 रुपये में आप मतलब 40,000 रुपये में फिर भी इतना अच्छा नहीं आएगा दोस्तों। और उसने जो मोबाइल यूज़ किया, मैं बोला भाई कौन सा मोबाइल यूज़ किया तूने, उसने बोला LG G6 Plus। मैं नेट पे सर्च करके देखा वो फ़ोन भी 15,000 के अंदर है, 1500 के अंदर में लेंस और 15,000 के अंदर में फ़ोन, और मैं क्या बोलूँ, मतलब G6 Plus का आपका जो कैमरा है आपने रिव्यूज़ वगैरह देखा है ठीक ठाक है अच्छा खासा है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ उसमें इतना अच्छा शॉट आएगा तो मेरा जो मोटो G5 Plus है उसमें और कितना बढ़िया शॉट आ सकता है, मैं सोच के हैरान हूँ सीरियसली गाइस। चलिए फोटो और एक बार रिपीट करते हैं।
अभी भी आप लोग भी शायद शॉक में हैं कि इतना अच्छा बंदा खींच कैसे लिया। तो इंसर्ट में मैं उसका यहाँ पे पिक डाल रहा हूँ, ये है नीलाद्री चक्रवर्ती। एंड इसका जो फेसबुक लिंक है, इसके फेसबुक प्रोफाइल का, वो मैं अंदर डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रहा हूँ। तो वो लिंक में क्लिक करके आप खुद जाइए, आप पूछ सकते हैं कि वो इतना अच्छा फोटो कैसे खींच लेता है अपने बस फोन से, इतने माइक्रो साइज के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके फोटो इतना अच्छा तरीके से वो ले लेता है। आप मतलब एक्सपीरियंस गैदर कर सकते हैं उससे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एंड जो लेंस वो अपने मोबाइल के लिए यूज करता है, जो कि अंडर 1500 है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपको अगर ऐसा ही फोटोज या कुछ खींचना है, जो ये लेंस जो कि बहुत ही आपको हेल्प करेगा लेंस खींचने में, इसका जो एक्सपीरियंस है वो नीलाद्री चक्रवर्ती से आप लोग डायरेक्ट बात करके आप लोग मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है पूरा एक्सपीरियंस वो मतलब कैसे खींचना पड़ता है, कैसे अपने फोन से इतना बढ़िया शॉट आ जाता है, तो वो आपको नीलाद्री चक्रवर्ती बता देंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है नीचे, और ये जो लेंस का लिंक है वो भी अंदर डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड जाते जाते और कुछ उसके खींचे हुए फोटोज देख लेते हैं।